That girl must be thinking कि अब उसकी शादी कहाँ से होगी? Venue क्या होगा? Call करता हूँ मैं उससे. तूने major meltdown के बाद call कैसे करूँ उसे? तो क्या करूँ मैं? क्या हो गया है तुझे आहान? You never this confused. तुम दोनों सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही भैया. दोनों को क्यों? क्योंकि एक बात अभी तक चुभ रही है. कौन सी बात? ये बात कि हमारे घर पे एक लड़की से बदतमीजी हुई और हमने उसको कुछ कहा नहीं क्योंकि वो लड़के वालों के घर से था. That मौसी का भांजा भाई, उसकी बात सुनी गई, सरला आंटी की बात सुनी गई, सिर्फ इश्की की बात नहीं सुनी गई, जबकि उसकी सारी बात सही थी. उसकी बात सही थी लेकिन उसके बात करने का तरीका गलत था. तो सही तरीका क्या होता है भाई? ओ हाँ, उसको तो एप्लीकेशन लिखनी चाहिए थी. टू द प्रिंसिपल मल्होत्रा हाउस, आई बेग टू से सर, यहाँ पर एक बदतमीज भांजा है जो लड़के को छेड़ रहा है. प्लीज सी कि लड़कियां सेफ रहें. योर सिंसियरली थैंकिंग यू, इश्की, रोल नंबर 11. डोंट साउंड एज इफ उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था. अगर उसे कुछ अजीब लग रहा था वो तुझे बता सकती थी, मुझे बता सकती थी. और तुझे क्या लगता है, मुझे ईव टीजिंग से प्रॉब्लम नहीं है? मुझे गुस्सा नहीं आता जब लड़के लड़कियों को छेड़ते. लेकिन ये जगराता था, उसे उस लड़की को धक्का मारने की कोई जरूरत नहीं थी, इतना बड़ा तमाशा बनाने की कोई जरूरत नहीं थी. भैया, इश्की ने कोई तमाशा नहीं किया. अजीत रश्मि को टच करने ही वाला था. इश्की ने सिर्फ उसका हाथ पकड़ा था. वो खुद इतना ड्रंक था कि वो अपने आप गिर गया. मैंने खुद देखा था. तो उस टाइम क्यों नहीं बोला तूने सोनू? जब सब इश्की पे ब्लेम कर रहे थे तो तूने क्यों नहीं कुछ बोला? बस करना कार्तिक, मैं ऑलरेडी काफी गिल्टी फील कर रही हूँ. अब तू मुझे बैग पैक करा के गिल्ट ट्रिप पे मत भेज. भैया, गलती मेरी है. मुझे सबके सामने इश्की की साइड लेनी चाहिए थी. इश्की सच बोल रही थी. और आप उस मौसी के भांजे की हरकत को जस्टिफाई कर रहे थे. शट अप कार्तिक, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा था. ओह रियली भाई, आपने सबके सामने रश्मि के कपड़ों पर कमेंट किया. जिस लड़की के साथ बदतमीजी हुई आपने उसको ब्लेम किया, जिसने उसके अगेंस्ट बोला आपने उसको ब्लेम किया. आपको लड़कियों पर ब्लेम ही करना है तो फिर आप अपना नाम क्यों नहीं बदल लेते हो? आप समाज रख लो ना अपना नाम. फिर लोग आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि अरे ये तो समाज है, ये तो लड़की को ब्लेम ही करेगा. हो गया, और कुछ बोलना है? मैंने जो किया उसे लड़कियों को ब्लेम करना नहीं कहते. रियली भाई, तो फिर क्या कहते हैं आप, प्लीज समझाएंगे मुझे? कॉमन सेंस कहते हैं उसे. अगर तू अपने सोशल मीडिया डिबेट मेंटालिटी से बाहर निकलेगा ना, तभी मेरा पॉइंट समझ पाएगा. कपड़े कभी सही या गलत नहीं होते, अप्रोप्रिएट होते या इनअप्रोप्रिएट होते. कल अगर मुझे किसी फ्यूनरल में जाना हो और मैं एक रेड कलर का लेदर जैकेट पहन लूँ, बेसबॉल हैट लगा लूँ, ऐसे डार्क शेड्स पहन लूँ, तो लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्शन उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? एग्जैक्टली. क्यों उठाएंगे? क्योंकि मेरे कपड़े इनअप्रोप्रिएट होंगे. आज कोई कॉकटेल पार्टी या कोई संगीत नहीं चल रहा था, जगराता था ये. तो भी भाई, इट्स हर लाइफ, इट्स हर चॉइस. वो जो चाहे वो पहने, हम डबल स्टैंडर्ड्स नहीं रख सकते. अच्छा चल, इमेजिन कर आज चाचू जगराता में स्विमिंग ट्रंक्स पहन के आ जाते, तो लोग क्या कहते? इट्स हिज लाइफ, हिज चॉइस. लोग ये कहते, या ये लोग ये कहते कि देखो इस आदमी को कितना बदतमीज आदमी है, यही कहते ना? कहते कि नहीं? तो डबल स्टैंडर्ड मेरे अंदर नहीं है, समझ तेरी कम है. और बात ना सिंपल सी है, लड़कियों को थोड़ा समझ के चलना होता है. बात खत्म भाई, स्टॉप इट, आई कांट टेक दिस एनीमोर. कार्तिक कहाँ जा रहा है? जरा इधर आ. दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों की लड़ाई होगी. इडियट, मैं तुझे बस ये समझा रहा हूं कि रश्मि को भी थोड़ा केयरफुल होना चाहिए था, और उस लड़की को जगराते में इतना बड़ा तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं थी. हम कितने भी मॉडर्न हो जाए लेकिन कुछ चीजें होती है जो कभी नहीं बदलती, और हम लड़की वाले हैं यार, हमें थोड़ा संभल के चलना चाहिए. भाई आपके थॉट्स बहुत पुराने हैं, और टाइम के साथ पुरानी चीजें बदल देनी चाहिए भाई. ओए खोते, पुरानी तो मैं भी हो गई हूं, बदल दे मुझे. ले आ नई दादी. आहन बिल्कुल सही कह रहा है, एक तो हम लड़की वाले, वो भी ऐसे लड़की वाले जिनके घर में पहले से एक शादी टूट चुकी है,
लेकिन अब इस घर में कोई दूसरा रिश्ता मैं टूटने नहीं दूंगी। दादी सही कह रही है, एक और रिश्ता टूटा तो ये चोट हमारी फैमिली बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लो जी आ गए आप। कल के नाश्ते का मेन्यू बना रही हूँ। पूरी छोले, आलू टिक्की, मटर कचौड़ी, पनीर कुलचा और बादाम का हलवा, ठीक रहेगा ना? आप यहाँ सुबह के नाश्ते का मेन्यू बना रही हैं और वहाँ सरला जी स्यापे का मेन्यू बना रही होंगी। ये सरला जी भी ना अब लड़के वाले होने का मतलब ये थोड़े ना है कि मौका मिलते ही तड़का लगा दो। जब देखो कहती रहती है मेरी कोठी इतनी बड़ी है, मेरी गाड़ी इतनी बड़ी है, उन्हें तो ना जी ये कहना चाहिए मेरा ईगो इतना बड़ा है। और वो उनका भांजा मतलब शक्ल से लुच्चा लगता है, की होगी उसने जरूर बदतमीजी। बदतमीजी किसी ने भी की हो रितु जी, माफी तो आहान ने मांगी ना। हाँ जी, और माफी मांगते ही सरला जी रुक भी गई। मुझे तो ना जी मेरी सोनू की बड़ी चिंता होती है, मतलब हमने तो रोज रोज नहीं निभाना ना उनसे, हमने तो होली दिवाली बर्थडे पर जाना है, लेकिन हमारी सोनू उसको तो वहीं रहना है उनके साथ, पता नहीं जी वो कैसे निभा पाएगी। रितु जी आप सोनू की चिंता मत कीजिए, राज है ना वहाँ, राज हमारी सोनू से बहुत प्यार करता है आप देखिएगा। लेकिन सच बात तो ये है ना जी कि इश्की सास के मामले में सोनू से ज्यादा लकी है। मयंक की फैमिली काफी अंडरस्टैंडिंग वाली लगती है। क्या अंडरस्टैंडिंग बनो लगा रखी है। एक गल जाके उस लड़की से कहनी थी ना जो हमारे जगराते में तमाशा कर रही थी। ए तो रब का शुक्र है कि अब वो लड़की इस घर में दिखाई नहीं देगी। आहान पुत्र, इश्की की शादी इस घर से ना करने का तेरा फैसला बिल्कुल चंगा है। जब तूने मयंक को बताया तो वो नाराज तो नहीं हुआ ना? मैंने एक्चुअली दादी अभी तक मैंने मयंक को बताया नहीं। क्या दादी, भाई ने मिंकी भाई को अभी तक नहीं बताया? हाँ वो क्या हुआ ना दादी, आई वॉज कॉट अप मयंक की फियांसे के और आहान भैया कॉट अप विद इश्क। आहान पुत्र साफ साफ बोल। दादी रहने दीजिए ना, लेट इट बी। तू सोनू का रिश्ता तुड़वाना चाहता है? अगर इश्की इस घर में आती जाती रही तो ये रिश्ता होगा ही नहीं, वो ये रिश्ता होने ही नहीं देगी। दादी वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, आई प्रॉमिस। भाई का ट्रस्ट इश्की पर। दादी और हमें मयंक और उसकी फैमिली के बारे में भी तो सोचना चाहिए। एंड मोमेंट पे उन्हें मेन्यू भी ढूंढना होगा, ऊपर से मयंक के पापा की तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं है, टेंशन और बढ़ जाएगी ना दादी, बुरा लगेगा उन्हें। वो कल सगाई भी है, वो क्या सोचेंगे? इतनी अच्छी फैमिली, पता नहीं ऐसी लड़की को बहू क्यों पसंद किया। दादी मयंक ने डिसाइड कर लिया है, अब वो प्यार करता है तो अभी इसमें हम क्या कर सकते। मैं ये सब मयंक के लिए कर रहा हूँ, मुझे उस लड़की से कुछ लेना देना नहीं है दादी। अब तुमने तय कर लिया है तो कर लिया है, मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन पता नहीं मुझे लग रहा है ये लड़की कुछ तो गड़बड़ करेगी। आप इतना कवर अप क्यों कर रहे हो और आप मान क्यों नहीं लेते कि आपको इश्की के लिए बुरा लग रहा है? मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा उसके लिए, वो तो शी हैड अ लॉन्ग डे, इसलिए मुझे उसकी लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी। एनीवे मैंने ये डिसीजन फाइनल कर लिया है, उसकी शादी इसी घर से होगी, बात खत्म। ऐसे कैसे बात खत्म? बात तब खत्म होगी जब आप इश्की को सॉरी बोलोगे। हाँ आहान भैया सॉरी बोलेंगे, वो भी इश्की को। और क्या, मेरे पास तुम दोनों के स्टूपिड एंटिक्स के लिए टाइम नहीं है। ओके जा रहा हूँ, बाय। सॉरी तो बोलना पड़ेगा। हाँ।
बोलो। कल ब्रेकफास्ट पे ये पहन के जाना। एक सेकेंड। और ये तेरी सगाई के लिए। दीदी ने मेरी शादी के लिए क्या कुछ नहीं किया था, आज जब मेरी बारी आई है तो मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा। मासी, गलती आपकी नहीं, आपकी लिस्ट की है। आपने लिस्ट ही गलत बनाई थी। आपको याद है मैंने आपको बताया था मुझे मयंक से शादी से पहले उससे प्यार करना है। पागल है क्या ये कोई अमेरिका जो शादी से पहले सब कुछ करना चाहती है? हाँ मासी, आप क्या समझ रहे हो? प्यार करना चाहती हूँ मतलब प्यार में पढ़ना चाहती हूँ, अपनी एक लव स्टोरी चाहती हूँ। उसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है, जो इंसान मेरे लिए बना होगा उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। पर बेटा, गुण तो पंडित जी मिलाते हैं ना कुंडली देखकर। मासी, लव स्टोरी की बात में अपनी अरेंज मैरिज वाली बातें मत घुसाओ प्लीज। जिस इंसान में ये सब हुआ ना, मैं उसे इतना 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 प्यार करूंगी जितना कभी किसी ने किसी से नहीं किया होगा। अच्छा, फिर ये लिस्ट तो देखनी बनती है। आहान, अरे तू ये क्या करने बैठ गया? तूने तो सोनू की शादी तक ऑफिस से छुट्टी ली है ना? हाँ चाची, वो कुछ अर्जेंट काम था ना तो बस। थैंक यू। इश्की की लव लिस्ट नंबर वन। ये आंखें बंद करो तो उसका चेहरा दिखाई देता है। मयंक दिखा। मासी, कॉन्सेंट्रेट करने दो। क्या उसे देख के दिल धड़कता है? दिल का तो पता नहीं, पर कुछ कुछ तो होता है। पर कम से कम वैसा हार्ट अटैक नहीं होता जैसा उस ईवीएम का चेहरा देखकर होता है। उसे देखकर तो इतना गुस्सा आता है ना कि मन करता है कि तीसरा। क्या वो अन कहीं सुन पाता है? सरला आंटी ने तुम्हें फांस रखने के लिए कहा था और तुम यहाँ चुप कर चोरी से ये सब खा रही हो। नंबर फोर। क्या वो फैमिली वैल्यूज वाला है? क्योंकि मेरे लिए तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी मासी को इस जिंदगी से निकालने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या उसके लिए फैमिली मेरे जितनी इम्पोर्टेंट है? ये जो तुम्हारी हरकतें हैं, ये पता है क्यों है? क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कभी फैमिली वैल्यूज सिखाया ही नहीं। उसे क्या पता, नाम तीन तीन है लेकिन दिल एक भी नहीं है। अता पता कुछ है नहीं। जब देखो मशीन गन की तरह थर 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 शुरू हो जाता है बस। उसके बारे में सोचना बंद कर और नंबर पांच सोच। क्या चोट लगने पे उसकी याद आती है? आई नो उसे चोट लगी है, इसका मतलब ये नहीं कि तू यहां बैठ के उसके बारे में ही सोचता रहे।
पर जब वो फेंट हुई थी बुरा बहुत लगा था। लेकिन अब वो ठीक है तो उसके बारे में सोचना बंद कर। अगर गलती से भी कार्तिक या सोनू ने तुझे ऐसे देख लिया ना तो सालों तक तेरा तमाशा बन जाएगा, इसलिए उसके बारे में सोचना बंद कर। एक बार सॉरी बोल देता हूं। टाइम पे कॉल करूंगा तो बहुत अजीब लगेगा। इट्स टू लेट। अब बहुत बड़े लोग होंगे पर इससे आपको किसी और को छोटा समझने की या उनकी परवरिश पर उंगली उठाने का हक नहीं मिलता। बंद कर उसके बारे में सोचना, कुछ और सोच। एक काम कर, कॉन्टिनेंट्स के नाम गिन ले या कंट्रीज के नाम गिन ले, या एक काम कर तू इंडियन क्रिकेटर कैप्टन्स के नाम गिन ले। गांगुली, धोनी, इश्की, विराट। धोनी के बाद इश्की कैप्टन कब बने? इडियट, मत सोच उसके बारे में, भूल जा। आहान ने मयंक को अब तक बताया क्यों नहीं कि वो नहीं चाहता मेरी और मयंक की शादी उसके घर से हो। आज जो कुछ हुआ इसके बाद मैं कल उसके यहाँ कैसे जा सकती हूँ? खुद ही पूछ लेती हूँ। कॉल के लिए लेट हो गया है तो मैसेज कर देता हूँ, लेकिन मैसेज में इमोशंस कन्वे कैसे होंगे? इमोशंस कन्वे तब होंगे ना जब इमोशंस कन्वे करने होंगे। मुझे तो सिर्फ बात ही करनी है। जब बात ही करनी है तो कल सुबह ही बात कर लेना। सो जा, चल। इतना कुछ होने के बाद क्या इश्की कल सुबह आएगी? मुझे कल वहां जाना है या नहीं? कल इश्की आएगी या नहीं? तुझे पता है ना मम्मी जी को लड़कों का किचन में आके काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तू क्या कर रहा है यहाँ पर? क्योंकि ब्रेकफास्ट दादी के सत्संग ग्रुप के लिए नहीं बन रहा है, जो पूरी छोले वुड बी इनफ। टू बी मैरिड कपल्स आ रहे हैं मम्मी, मैं उनके लिए जापानीज पैनकेक्स बना रहा हूँ। जापानी खाना? वो लोग तो टू इन वन बनाते थे ना। अरे तो खाना भी तो बनाते होंगे ना मम्मी, टू इन वन थोड़ी ना खाते होंगे वहाँ के लोग। हाँ वो भी है। रितु? हाँ जी आई। सोनू एग्स दियो भाई, बटर देना। मैं ये पानी और सॉल्ट से पैनकेक्स बनाऊं। सोनू एब्सेंट माइंडेड है समझ में आता है, क्योंकि वो अपने फियांसे का वेट कर रही है, पर आप किसके इंतजार में ऐसे ये खोया खोया चांद बने हुए हो? शट अप कार्तिक, मयंक का वेट कर रहा हूं मैं। ओह तो दोस्ती प्यार में बदल गई। अब ऐसे आए भर भर के कोई अपना फ्रेंड का तो वेट करता नहीं है। स्यापा क्यों रहे थे? तुम दोनों को 100 बार मना किया है, रसोई में लड़कों का कोई काम नहीं होता। दादी प्लीज, कुकिंग बेसिक लाइफ स्किल है, सबको आनी चाहिए ना। तेरे जैसे लड़के को थप्पड़ मारना भी ना बेसिक लाइफ स्किल है जो सबको आना चाहिए। दादी सही कह रही है। और क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे रसोई लड़कियों की जगह है। इनफैक्ट लड़कियां स्कूल जाके ज्योमेट्री इसीलिए सीखती है ताकि परफेक्ट गोल पराठे बना सके। तू तो पक्का जोरू का गुलाम ही रहेगा। हाँ दादी, मुझे ना कोई मिस वर्ल्ड टाइप मिल जाए बस, फिर हाउस हस्बैंड बनकर घर चलाऊंगा। हट, बकवास ना क्या कर मुझसे। पता नहीं इश्की कब आएगी, आएगी या नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.